जन जन की आवाज जीएन भारत अभी मौजूद है सिटी एसपी के कार्यालय में ऑफिस में, जहां पर सिटी एसपी ने अभी तुरंत एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि पांड्रा में जो डबल मर्डर भाई बहन का हत्या हुआ था उसके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे आरोपी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया और साथ ही अपने सारी टीम को बधाई दी है। इसमें पांड्रा के जो ये है थाना प्रभारी है चंद्रशेखर, सुखदेव नगर की थाना प्रभारी ममता कुमारी, उन सबका बहुत धन्यवाद दिया है क्योंकि इनकी जैसा अंशुमन कुमार जो सिटी एसपी, उन्होंने बताया कि हमारी टीम 7 राज्यों में जाँच पड़ताल करी थी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विशाखापट्टनम तक हम गए थे, फाइनली बिहार से हमें मिला है और इनके मिलने के बाद हम इससे पूछताछ करेंगे। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा कि 18 साल की नाबालिग लड़की है, ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं है। आप खुद ही सुनिए कि उन्होंने क्या क्या जानकारियाँ दी। 18 तारीख की के सुबह में हम लोगों को जानकारी मिली कि ओझा मार्केट जो पंडरा थाना अंतर्गत आता है वहाँ पे एक 17 साल की बच्ची और आ गया। जब हमारी टीम वहाँ पे पहुँची तो ये मर्डर की घटना प्रतीत हुई और तत्काल ही हम लोगों ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। मृतका के जो संबंधी उनके मामा हैं उनके द्वारा एक नेम्ड FIR किया गया था जो कि हमारी जानकारी में आई, जिसको देखने के बाद हमें लगा कि हम लोग को अपने अनुसंधान को थोड़ा और विस्तृत करना पड़ेगा। उसी क्रम में अर्पित अर्नव नाम के लड़के के बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिली। जो कुछ हमें जानकारी मिली थी उसके बाद हमने इस लड़के को ट्रेस करना शुरू किया, उसकी सारी हिस्ट्री, उसका इस परिवार के साथ किस प्रकार का रिश्ता था, मृतका के साथ क्या रिश्ता था, उस सब की जानकारी हम लोगों ने ली। तत्पश्चात हमारी टीम्स बिलासपुर, विशाखापट्टनम, बिहार और फाइनली यहाँ इसको ट्रेस करते करते फाइनली हमने इसे रांची में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जो हम लोगों की जानकारी थी और इससे जो पूछताछ की गई उसमें इसने स्वीकार किया कि मृतका से इसकी जान पहचान थी और घटना की रात में मृतका के बुलाने पर यह लड़का घटनास्थल पर पहुंचा था और वहां पे इसे जब आपत्तिजनक अवस्था में मृतका की माता ने देखा तो फिर स्थिति बिगड़ गई और इस लड़के ने ना सिर्फ मृतका की माता, उसके छोटे भाई, बल्कि अंत में मृतका के ऊपर भी हमला किया जिसमें कि मृतका और उसके छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी और उसकी माता अभी भी अस्पताल में इलाजरत है। इसके बताने पे हम लोगों ने जिन कपड़ों को उसने पहना हुआ था घटना के दिन उसको जब्त किया है। अब इसकी फोरेंसिक जांच की जाएगी जिससे कि हम लोग इस केस को और प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश कर पाए। सर, वहाँ पे जो पुलिस गई थी तो कैसी अवस्था में पड़ी हुई थी उसकी लाश, मृतका की? देखिए, मृतका की लाश जो है वह घटनास्थल पे जो घर है उनका उसके दरवाजे के पास में पाई गई थी। हमारे पहुँचते ही हमने जो पुलिस ने जो पाया था कि मृतका उस जगह मृत पड़ी ही थी और उसके भाई को फिर अस्पताल ले जाया गया था जहाँ पे उसे भी मृत घोषित कर दिया गया था। जहाँ तक हमारी SIT की बात है, सबसे पहले SIT का जो काम हुआ है वो बहुत ही काबिल तारीफ रहा है क्योंकि ऐसे घटनाओं में जिसमें कि पूर्व में किसी और पे शक जाहिर कर दिया जाता है और असली अभियुक्त या जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उस तक पहुँच पाना एक प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग काम हो जाता है। तो मैं सबसे पहले अपनी टीम का नाम आप सभी के सामने मैं रखना चाहूँगा। इस SIT में प्रकाश सोए जो पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली हैं, नीरज कुमार जो पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय प्रथम हैं, यशोधरा जो कि साइबर सेल में पदस्थापित पुलिस उपाधीक्षक हैं, थाना प्रभारी सुखदेव नगर ममता, थाना प्रभारी पंडरा चंद्रशेखर एवं साथ में मृत्युंजय एवं धीरज जो कि पंडरा थाना के हमारे सब इंस्पेक्टर्स, इन सभी ने लगातार बहुत ही मेहनत से काम किया है और साथ ही हमारे टेक्सेल का भी बहुत ही कारगर इसमें रोल रहा है। उन्होंने रात दिन मेहनत की है जिससे हम इस लड़के को ट्रेस कर पाए हैं और फाइनली इसकी गिरफ्तारी हो पाई है इसके घर के पास में।
तो आपने देखा कि अंशुमन कुमार ने साफ तौर पर कहा कि ये बहुत संगीन मामला था जिसको अंजाम तक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि ये आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक और इन्फॉर्मेशन इस जाँच पड़ताल के बाद आएगी, पूछताछ के बाद आएगी। जैसे ही अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जो भी खबर आती है सबसे पहले जीएन भारत आप तक पहुँचाएगा। देखते रहिए जीएन भारत, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।